विरासत टीवी दे नाल जुड़े आप सारे ही दर्शकों का स्वागत करते हैं प्रोग्राम कुछ पल किताब दे नाल। जी आयां नूं सत श्री अकाल आदाब नमस्कार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। उम्मीद ते अरदास करते हैं जिथे कित होवो परमात्मा अकाल पुरख अल्लाह ताला दे पाणे विच अपनी जिंदगी नूं बिता रहे होवोगे। दोस्तों साहित साडी जिंदगी दे विच एक बहुत अहम थां रखता है। ये सानू केवल अपनी जिंदगी प्रति ही सुचेत नहीं करता बल्कि समाज के प्रति अपनिया इतिहासक जिम्मेवारियां प्रति और समय के चलंत मुद्दों के प्रति भी सानू जागरूक करता है। असी अपने विरसे अपनी विरासत अपने सभ्याचार के नालों जेकर किसी कारण टुट गए हैं जां दूर हो चुके हैं तो साहित्य के जरिए भी असी जिहड़ा मुड़ अपनी उस मुख धारा के नाल जुड़ सकते हैं। कुछ साहित्य साडा मनोरंजन करता है, कुछ साहित्य सानू जिहड़ा आ उह सुचेत करदा आ, कुछ साहित्य सानू चेतन करदा आ ते कुछ साहित्य सानू जिम्मेवार बनाउंदा आ। जिम्मेवारी दी जदों असीं गल करदे हां ते कुछ ऐसियां किताबां जो अपने धर्म देश कौम समाज जां परिवार प्रति सानू अजिहा संदेश अजिहा सुनेहा देंदियां होण जिथों इह पता लगदा होवे भी असी भी एक जिम्मेवार नागरिक हैगे हाँ, साड़ी एक जिम्मेवारी बनती है अपने धर्म प्रति अपनी कौम प्रति मनुखता दे प्रति और जां देश दे प्रति। हरेक थां उत्ते एक समय बाद जिते बहुत चंगे संदेश हुंदे ने बड़े चंगे उपदेश हुंदे ने बड़ी सोहनी विचारधारा हुंदी है उत्ते खड़ोत आउंदी है जां उहदे विच खामियां आ जांदियां ने, पर उह खामियां दूर उदों हुंदियां ने। कई वारी इदां हुंदा कि सानूं पता ही नहीं हुंदा वी असीं किहड़े वहिण विच वह रहे हां कि वह रस्ता सही है या गलत है, पर खामिया प्रति जो कोई व्यक्ति सानू सुचेत करता है साड़िया गलतियां साढ़े सामने रखता है साहित्य के रूप के मौखिक रूप के कई बार ज्ञान हों अच्छा मैनू इस गल का पता ही नहीं सी, ये वाकई एक बड़ा दुखदायक पहलू हैगा आ। हुण इहदा हल की हैगा आ? हल वो दसना भी औखा आ, कढ़ना भी औखा आ, तो हल वास्ते इंप्लीमेंट करना या कोशिशां करनियां वह भी बड़िया औखियां होंदियां ने, पर जे कोशिशां कीतियां जान एक जागरूकता जिहड़ी है वह कायम की जाए तो कामयाबी भी मिल जाती है। खैर जो साहित्य की गल करते हैं तो अज असी साहित्य का एक अजिहा नमूना तुहाडे रूबरू करन जा रहे हैं क्योंकि जो पंजाब की धरती की गल आउंदी है ना तो पंजाबी पूरे विश्व के विच ने, तो जिथे भी चार पंजाबी चार सिख इकट्ठे हो जाए सिख भाईचारे के भावें दो व्यक्ति भी रहिंदे होण ना उत्थे भी वह गुरुद्वारा स्थापित कर देंदे ने। हुण गुरुद्वारे का मतलब जिहड़ा आ गुरुद्वारे की भावना जिहड़ी है गुरुद्वारा संस्था का मकसद जिहड़ा सी सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू बख्शिश किया वह इहो सी वी गुरुद्वारा साहिब दे विच राहगीर नू रात ठहरन का प्रबंध होवे, भुखियां दे वास्ते उत्थे भोजन होवे, औरतां दी सुरक्षा दे वास्ते उह लोह दुर्ग होवे, उत्थे विद्या का प्रबंध होवे, उत्थे डिस्पेंसरी यानी दवाखाना होवे और उत्थे उह सारियां सहूलतां होण जो किसी लोड़वंद मनुख दे काम आ सकन, ते जिथे गुरमत गुरमत विचारधारा गुरबाणी गुर सिद्धांत दी गल हुंदी होवे, सिख इतिहास दी गल हुंदी होवे। और इस संस्था नूं गुरुद्वारा कहा गया, गुरु दा दर गुरु घर कहा जांदा है विदेशां दे विच भई उह थां जिथे गुरु विराजमान है। वैसे परमात्मा हर थां ही मौजूद हुंदा है, असीं इक थां निश्चित कर लैंदे हां। सो गुरुद्वारा एक इहो जिहे कंसैप्ट विचों निकलिया सी, इक इहो जिहा सतगुरु सच्चे पातशाह दा दृष्टिकोण सी जिथों मनुखता का भला हो सके। समा बदलता गया, समय के नाल सोच विचार बदले और ऐसे विचार बदले कि असी अपने गुरु नालों टुट के ये दावा करते हैं भी असी गुरु वाले बने हुए हैं। असी गुरुद्वारे उसारने शुरू किए, इतने गुरुद्वारे उसार दते, इतने गुरुद्वारे उसार दते। मैं अमृतसर शहर की गल करता हाँ तो जो जिक्र है जो सर्वे ये गल दसदा है भी अमृतसर शहर के हर 2 किलोमीटर तो पहला ही तुहानू एक गुरुद्वारा साहब मिल जाएगा, यानी इतने गुरुद्वारा उसार दते और जातां पातां दे नां उत्ते उसार दते। पिंडां दे विच शहरां दे विच हर मुहल्ले ने अपना वखरा गुरुद्वारा उसार लिया भी, ये भी 10 मुहल्ले दे लोग इकट्ठे एक गुरुद्वारे जाण, इहो जी कोई सोच समझ अपनाउण दी जरूरत ना समझी गई। और ऐसी ही एक भावना सिख कौम दे महान लेखक सरदार मेहरबान सिंह दे अंदर पैदा हुई, इस एक ये बुराई बन गई कि असीं गुरुद्वारे उसारी गए, हर 2 किलोमीटर दायरे में एक गुरुद्वारा आ रहा है,
249 सिखां दे मगर एक गुरुद्वारा आ रहा है तो एक किताब साहित का एक रूप सामने आया। एक किताब आई राख लिहो हम ते बिगरी गुरुद्वारा संस्था दशा अते दिशा। भी इहदा मकसद की सी गुरुद्वारा संस्था का और उसी बना के दिता। और इस किताब दे लगभग 360 पन्ने आ और 360 पन्नियां दे उत्ते ऐसे ऐसे सर्वे जिहड़े गुरुद्वारा संस्था उत्ते मौजूदा समय विच लेखक ने कीते कि हर सिख जे ध्यानतदारी दे नाल इस किताब नूं पढ़दा आ इहदा पाठक बणदा आ उस सिर ते हथ रखण वास्ते मजबूर हो जू। भई इतनी बौणी हालात हो चुकी है साडी कौम दी। दुख होएगा, दर्द होएगा, एक चीस मन अंदर उठेगी ते जे वह चीस उठती है किताब पढ़न तो बाद ते मैं समझदा भी लेखक दा ये लिखिया होया जिहड़ा ये ग्रंथ नुमा किताब एक वड आकारी किताब है किसी हद तक सफल हुंदी है। ते जे वह चीस तो बाद एक ऐसा प्रबंध बनता है गुरुद्वारा संस्था के प्रति, एक सुधार पैदा होंदा है गुरुद्वारा संस्था के प्रति, एक जिम्मेवारी असीं निभाउंदे आ चाहे प्रबंधक के तौर पर हाँ जां एक सिख के तौर पर हाँ जां प्रचारक ग्रंथी पाठी कीर्तनीए गुरु घर के अरदासीए जां सेवादार के तौर पर हाँ जे उस जिम्मेवारी नूं पछाण लैंदे आ ना फिर मुकम्मल तौर पर यह दस्तावेज़ जिहड़ा है ना वह अपने आप दे विच एक वड्डी सफलता मन्नी जाऊगी। इस किताब दे विच जिहड़े सर्वेखण ने मैं कुछ कु तुहाडे नाल सांझे करांगा कि मत हैरान हो जाऊ भी साढ़े विद्यक अदारियां दे मुकाबले और साड़ी अपनी आबादी दे मुकाबले गुरुद्वारे किन्ने 100 गुणा जिहड़े ने उह असी बना दिते। साड़ी आबादी 2.3% वधदी है तो गुरुद्वारे किन्ने फीसदी वधदे आ। एक सर्वे दे मुताबक 1956 तो यानी कि देश की आज़ादी तो बाद की गल है 10 साल 1956 तो 1970 तक तकरीबन गुरुद्वारियां दे विच 7.65% वाधा होया। 1971 तो 1985 यानी 15 सालों के 16.77% गुरुद्वारियां दे विच वाधा होया। ते अगे 1986 तो साल 2000 तक अगले जिहड़े 15 साल सी उह सीधा डबल यानी 30.33% वाधा होया। 2001 तो 2015 अगले 15 सालों की गल करते हैं तो 35.16% गुरुद्वारे असी उसार दिते। 2016 तो 2018 2 सालों के 6.84% गुरुद्वारे असी जिहड़े ने वह उसार दिते। सो ये हालात जिहड़े ने साढ़े बने। तो जे असी गुरुद्वारे की गल करिए भी गुरुद्वारे दे विच कितने अमृतसर की गल करिए भी अमृतसर शहर के गल करते हैं तो 20 सालों के 80 गुरुद्वारे बना दिते गए तो 86% यानी कि वाधा जिहड़ा आ इह मन्निया जाऊगा। तो गैर इतिहासक गुरुद्वारे असी एक इतिहासक एक गैर इतिहासक गुरुद्वारे असी बनाए जिहड़े जातां पातां दे नाते बनाए वह वक्री गिणती विच है। तो दूजे पासे इस शहर की गल करिए तो इस शहर के 23 मानता प्राप्त स्कूल ने जिहड़े सरकारी तौर पर ने जिहड़े मानता प्राप्त ने उहदे विच 5वीं जमात के 53% बच्चों पंजाबी पढ़नी नहीं आती ते 25% ऐसे बच्चे ने जिन्हां नूं 35वीं जिहड़ी है ना वह ना तो लिखनी आती है तो ना बोलनी आती है। सो इतों असीं एक जिम्मेवारी समझण की कोशिश करनी भी इतने गुरुद्वारियां दे मुकाबले साढ़े विद्यक केंद्र कित्थे रह गए तो इतने गुरुद्वारियां दे मुकाबले उत्थे जे विद्या दा प्रबंध हुंदा गुरुद्वारियां दा मकसद तो इही सी ना। मैं हैरान सी कि अक्तूबर दे महीने पंजाब दे एक पिंड दे विच एक मंदभागी घटना वापरी जिथे एक गुरुद्वारा साहिब दे अंदर एक बच्चे ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूप के 42 अंक जिहड़े ने पन्ने ने वो फाड़ के बेअदबी की। हुण ये जो पता लगा बेअदबी का ये शामी 6 बजे तो बाद लग्या क्योंकि जो ग्रंथी सिंह उत्थे पाठ करन गया पाठी सिंह उन्हें वेख्या भी गुरु ग्रंथ साहब जी की बेहरमती होई हुई है। फिर CCTV कैमरे चैक किए उहदे विच पता लगा भी ये घटना सवेरे तकरीबन 10 बजे तो पहला वापर चुकी सी यानी 10 बजे तो लैके शामी 6 बजे तक 8 घंटे गुरुद्वारा साहब के अंदर ना कोई संगत के रूप में गया ना कोई प्रधान के रूप के गया ना कोई उत्थे जिम्मेवार सेवादार के रूप में उन्हें गुरुद्वारे के अंदर जाने की जी कोशिश की यानी कितनी वड्डी गैर जिम्मेवारी साड़ी। फिर असी इन्ने गुरुद्वारे उसारका ते रहे भी केवल तो केवल एक चौधर की भुख है सानू कि कोई सानू प्रधान साहब कवे कोई सानू सकत्तर साहब कवे तो जां फिर
पूर्णमाशी ते मस्या वर्गे त्यौहारों उत्ते जां कोई सालाना बरसियां दे उत्ते जिहड़े चार पैसे इकट्ठे हुंदे सन उह गोलकां दा लालच है। ये तिन्नां विचों इक तां है, होर तां कोई कारण नहीं हो सकदा वी असीं गुरुद्वारे ते गुरुद्वारा बना रहे हां। स्कूलां दी हालत साडी पतली हो रही है, पंजाब दे विचों पंजाबी नूं स्कूलां दे विचों बाहर दा रस्ता विखा दित्ता होया है, पर असीं इन्ने गैर जिम्मेवार हो जाइए कि हर 2 किलोमीटर दे विच इक गुरुद्वारा आउंदा होवे। कि मैं समझदा भी एक कौम की बदकिस्मती हो सकती है, बड़ी ये सफल दस्तावेज़ है। और मैं बहुत ब्रीफ दस रहा, केवल 1-2 पन्नों तो तुहानू टूक मात्र दस रहा, जो पूरी किताब पढ़ते हो ना तो मत हैरान हो जाऊगी भी साड़ी स्थिति जिहड़ी है वह कहो जी हो चुकी है। अगे मैं गल करदा हां कि किताब दे विच लगभग जे तत्करे की गल करदा मैं तुहानू दस देना चाहुंदा संखेप तौर दे विच कि 8 अध्याय इस किताब दे विच हैगे ने। जिहड़ा मुढ है पहले अध्याय दे विच एक ओंकार की गल है, सिक्खी की बुनियाद की गल है, अपनी लेखक ने अपने बारे दसिया भी साडा घराना जिहड़ा है सिख किवें सजिया सीगा पहले 2 अध्याय विच। तीजे विच उहने दसिया भी गुरुद्वारा एक जीवन जाच किवें सी, उत्थे संगत ते पंगत की गल सी, गुरुद्वारे के कार्य की सी भी उत्थे पाठशाला या स्कूल होना चाहिए है, उत्थे आचार्य होना चाहिए है, उत्थे सफाखाना होना चाहिए है, भुखियां लई अन्नपूर्णा लंगर का प्रबंध होना चाहिए है, इस्त्री की पत्त दे वास्ते जिहड़ा आ उह लोहमई दुर्ग के तौर पर गुरुद्वारे का प्रबंध होना चाहिए है, विश्राम का स्थान होना चाहिए है। गुरुद्वारा किसी की निजी मिलकीयत नहीं है, यह संगत की सेवा कमाई वास्ते चलता है। और प्रबंधक सेवादार के रूप में किदा होने चाहिए है, खालसे के 5 तख्त कहड़े ने, क्या तुद कर्म कमाया, ये जत धीरज मत वेद ते भाओ भाओ ते तप बारे गल है। गुरुद्वारा एक जीवन जाच, मनुखा जीवन घाट की घड़न के वास्ते एक कारखाने से सिख गुरुद्वारे। सो किदा किन्ने प्रतिशत वाधा हो रहा है, सिख समाज किवें वंडिया गया है, जातां दे नाते जिथे गुरुद्वारे बना छड़े उत्थे सी शमशान घाट भी नाल बना छड़े, शफाखाना अन्नपूर्णा जिहड़ी सिस्टम सीगा गुरुद्वारे दा, और संप्रदावां किन्नियां बन गईआं, डेरे किन्ने बन गए, निशान साहब किन्ने रंगां दे आ, हर गुरुद्वारे दे विच वक्खरे रंग दा निशान साहब है, हरेक गुरुद्वारे विच वक्खरी तरह की सिख रहित मर्यादा आ, हर गुरुद्वारे दे वक्खरे वक्खरे जिहड़े ने रीति रिवाज ते परंपरावां बन चुकियां ने। भई इह नहीं पता भई जिहड़े दिन त्यौहार गुरुद्वारे विच मनाए जा रहे ने इहनां दा सिख सिधांतां जां सिख विचारधारा जां सिख इतिहास नाल कोई संबंध भी हैगा है कि नहीं हैगा। सो मनमत जिहड़ी है उह गुरुद्वारे दे विचों सानूं वेखण नूं मिलदी पई है, और जिहड़े अनमती त्यौहार ने उह मनाए जांदे ने। आखिरी अध्याय दे विच जिक्र है कि राख लियो हमते विगरी एक अरदास अकाल पुरख दे अगे, और उहदे विच तकरीबन 22 विषय जिहड़े ने उह शामिल किए हुए ने। तो किताब दे विच उन्होंने जिक्र किया भी 2020 तक जिहड़ा आ जो उन्होंने जिक्र सी भी 249 सिखां दे मगर एक गुरुद्वारा आ रहा है, तो 2035 तक गुरुद्वारियां दे विच जे इस तरह साडा प्रबंध चलता रहा तो 50% होर वाधा होगा, जिहदे नाल 2035 तक 188 सिखां दे मगर एक गुरुद्वारा होगा। तो उहदे नाल जिक्र भी जे 1955 की गल करदे हां तो 2316 सिखां दे मगर एक गुरुद्वारा हुंदा सीगा, भी जिथे 2000 सिखां दे मगर एक गुरुद्वारा, तो कित्थे आने वाले समय दे विच 188 सिखां मगर, तो उस तो आने वाले समय की गल करिए तो हर सिख ने आपो अपना गुरुद्वारा बना के बैठा होना, अपनियां मर्यादावां चल रही होनियां, अपनियां कथा कहानियां चल रही होनियां, तो जिहड़ा गुरु दा सिधांत सीगा गुरबाणी का सिद्धांत सीगा वह जावे ढट्ठे खूह दे विच। उहदे नाल अगे चलदे आ जी, मैं जिक्र करन लगा हां भी लंगर की गल जिहड़ी है, उस तो पहले मैं डिस्पेंसरी की गल करदा भी जिहड़े दवाखाने सतगुरु सच्चे पातशाह ने जिस मकसद वास्ते एक गुरुद्वारा संस्था कायम की सी, 0.4% यानी कि 0.5% तो भी घट है इन्हां गुरुद्वारे विच दवाखाने, और केवल 6.6% गुरुद्वारे ने जिथे पूरा दिन लंगर चलता है। और बदकिस्मती की जो मैं गल समझदा भी इन्हां गुरुद्वारे विच 14 किस्म के जिहड़े ने वह नितनेम होंदे आ, 11 किस्म की रहरस चलती पई आ, 3 प्रकार का 16 पाठ चल रहा है, तो 13 प्रकार की अरदास हो रही है। तो आने वाले समय में जिहड़े हालात ने मैं दसदा भी 17.6/131 गुरुद्वारे इहो जिहे ने जिथे समाधां बना दित्तियां, यानी गुरुद्वारे के अंदर समाध बना दिती गई है, तो 165 यानी 22.14 गुरुद्वारे इहोजे ने जिथे समाधा के उत्ते पक्के कमरे पा के उत्ते निशान साहब ला दिता, तो जिहड़ा नानक की विचारधारा का सिद्धांत सीगा वह जावे ढट्ठे खूह दे विच, ये साडी हालात बन चुके हुए हैं। ये लफ्ज़ मैं कोलों कह रहा किताब दे विच नहीं लिखा हुआ ढट्ठे खूह वाला, क्योंकि हालात पढ़ के रोना आता है। और ये किताब मैं समझदा भी जिहड़े
मिशनरी कॉलेजों के विद्यार्थी ने उन्होंने सिलेबस का हिस्सा होनी चाहिए है और प्रबंधकों तक ये तोहफे के रूप में पहुँचनी चाहिए भी थोड़ी जी असी अकल करिए साहित्य जड़ा है ना वो सानू बड़ी एनर्जी देता है साहित्य सानू जिंदगी देता है साहित्य दे नाल बड़े बड़े वड्डे वड्डे रेवोल्यूशन आए रहे। काश ये किताब तो भी जड़ा मैं अरदास करता हाँ भी साढ़े प्रबंधकों तक पहुँचे साढ़े ग्रंथी साढ़े प्रचारक साढ़े कथावाचक साढ़े रागी ढाडी मिशनरी या दमदमी टकसाल संबंधित रखते हैं जिहड़ा भी धर्म प्रचार के खेत्र दे विच जां धर्म की पूजा दे नाल जिहड़ा पूजा दे धान दे नाल जां गुरु की पूजा दे नाल गुरु की कीर्ति दे नाल जुड़ के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं ना उहदी ते जिम्मेवारी भी किताब नूं पढ़ के ढालण की कोशिश करे हौली हौली गल तुरे गल तुरद्या तुरद्या कितने कोई हल होवे ते असीं थोड़े जिहे सुचेत हो के नौजवानी जिहड़ी है गुरुद्वारे तो बागी हो चुकी है भई हर बंदा आपो अपना गुरुद्वारा बना के बैठा है हर बंदा आपो अपनी मर्यादा के मुताबिक अमृत संचार करा रहा है हर गुरुद्वारे विच आपो अपनी मर्जी दे नाल त्यौहार मनाए जा रहे हैं भई जिहड़े असल गुरुद्वारा कंसैप्ट सीगा वो असल गुरुद्वारे की दशा और दिशा सी वो कित्थे गई इहो कारण है कि नौजवान भी सिक्खी तो बागी हो रहा है सो आओ जिम्मेवार बनीए सो अज इस प्रोग्राम दे विच जिहड़ा कुछ पल किताब दे नाल वो रख लिओ हम ते बिगरी ये किताब 360 पन्ने ने सरदार मेहरबान सिंह उन्होंने ये किताब लिखी है और किताब का विषय वस्तु मैं बड़े विस्तार नाल तुहाडे नाल सांझा कर चुके हैं सो एक जिम्मेवारी समझते हुए ये किताब अपने घर का हिस्सा बनाइए अपने आले दुआले जिते जिते गुरुद्वारे है उन्होंने प्रबंधकों को बेनती करिए इस किताब को अज इंप्लीमेंट करने की लोड़ हैगी है भी 21वीं सदी के असी अपने धर्म को अपनी विचारधारा कित्थे लैके जाना चाहते हैं ये एक सानू जिम्मेवारी का एहसास करवाउंदी है सो इहो जिहा साहित्य भी सानू जरूर पढ़ना चाहिए है जो सानू साढ़े समय के समकाली हालातों तो जाणू करवाउंदा होवे ते साडे अंदर एक चेतना पैदा करता होवे सो उम्मीद करदा हां कि किताब दे राही जां किताब दे बारे जिन्नी जानकारी तुहानू दित्ती है चंगी लगी होएगी सो मिलदे हां कल नू फिर आने वाले दिनों दे विच प्रोग्राम कुछ पल किताब दे नाल जिहदे विच किसी होर किताब के बारे चर्चा करांगे उस किताब के विषय वस्तु बारे गल करांगे लेखक बारे गल करांगे कि किताब साडी जिंदगी दे विच किस ढंग दे नाल अहमियत रखती है उस बाबत भी गलबात करांगे तद तक लई मैनू दिओ इजाजत सत श्री अकाल आदाब नमस्कार वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।